कंटेंट के उनको डील किया इसमें आप लोगों की डिमांड आ रही है एक है ना रिक्वेस्ट और दूसरा पेडोगोलॉजी तो ये काम होगा ईवीएस कंप्लीट करेंगे अब देखेंगे उस पर काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है मतलब वो थोड़ा सा देखते हैं इसको स्टार्ट करते हैं चलिए थर्टीन सेशन है आज का और सभी को गुड इवनिंग है भाई भी। जितने भी लोग मैं एकदम अच्छी हूँ होपफुली आप सभी अच्छे होंगे सुसंध्या बिल्कुल चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं हम लोग आ, नौ लाख सड़सठ हजार यानी सिक्सटी सेवन थाउजेंड हो चुके हैं आ, मिलकर के तो एक छोटा सा एक काम करते हैं मतलब इसको थोड़ा सा बूस्ट करते हैं वैसे तो मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करते हम लोग लाइक शेयर आप लोग कर सकते हैं ऐसे रिकमेंड कर सकते हैं जो लोग भी तैयारी कर रहे हो टीचिंग एग्जाम्स की लॉकडाउन में वैसे भी सभी घर पर बैठे हैं तो कुछ सीख लेंगे साथ में मिल करके तो शेयर जरूर कीजिए ऐसा देखते हैं अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ जून तक या लास्ट वीक ऑफ मे तक अगर हम लोग वन मिलियन हो जाते हैं तो बहुत सही रहेगा एक चैलेंज की तरह आप ले सकते हैं इसको तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ खैर ये एक बेसिक बात हुई टेलीग्राम चैनल की अगर मैं बात करूं वहां ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो ये पूरा जितने भी पीडीएफ डी हैं वो मिल जाएंगे इंग्लिश की मैं एक मैराथन सेशन लूंगी इस हफ्ते लूंगी एक क्लास जिसमें कंटेंट हम पैडागोजी का डिस्कस करेंगे तो टेंशन मतलब वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप लोग जितना मुझे कराना है उतना मैं कराऊंगी इतने पढ़िए जो आप बाकी के वीडियोस हैं उतने उनसे पढ़िए आज का जो टॉपिक है वो है वॉन्ड्रिंग सीड्स फिर हम पश्मीना शॉल के बारे में बात करेंगे ये सारी चीजें करेंगे ठीक तो अगर मैं बात करूं वॉन्ड्रिंग सीड्स की इस पर क्वेश्चन आया हुआ है वॉन्ड्रिंग सीड्स क्या है जो सीड्स हैं वो घुमक्कड़ होते हैं एक तरीके से ये कह सकते हैं जो बीज होते हैं बेसिकली जो अलग अलग क्षण चाहे वो टमाटर के हों चाहे वो किसी और चीज के हों है ना तो हाँ टेलीग्राम पर बहुत कंफ्यूजन है लेट्स लर्न स्क्वाड अगर सर्च करके आप ज्वाइन कर रहे हो तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बाकी सब आ, या तो मैंने नहीं बनाया या तो फिर वो एक्टिव नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो सिर्फ लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च करते हैं तो लेट्स लर्न एक चैनल है नाइनटी टू थाउजेंड सब्सक्राइबर्स है इसके अलावा कोई और चैनल टेलीग्राम पर नहीं है ठीक तो घुमक्कड़ बीज कह सकते हैं इनको स्टार्ट करते हैं समझते हैं हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था उसका वॉन्ड्रिंग सीट्स में एक आ, एक व्यक्ति थे जिन्होंने वो वेलक्रो का निर्माण किया था जो चिपक जाता है ना आपके फ्लोटर्स में यूज होता है तो उसी तरीके की बात इसमें होगी वॉन्ड्रिंग सीट्स बात कही गई है कि भाई सीट्स जो हैं बीज जो हैं वो एक जगह पर टिकते नहीं है वो घुमक्कड़ होते हैं मूव करते हैं एक से दूसरी जगह और कैसे मूव करते हैं उसकी हम अभी बात करेंगे ठीक है तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक स्टेटमेंट है द सीट्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स दे कैन रीच फार एंड वाइड मतलब कि सीड्स जो हैं ये बीज जो हैं क्या हैं ये बहुत ही अच्छे ट्रेवलर्स हैं ये क्या उस पर क्या कहें इनका झोला उठा रहता है ऐसे झोला उठा के चलते रहते हैं कहीं भी रुकते नहीं है एक जगह ठीक तो ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं घुमक्कड़ हैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं दे कैन रीच फार एंड वाइड कितनी भी दूर कितनी भी ऊंचाई सॉरी चौड़ाइयों तक ये जा सकते हैं कह सकते हैं तो मतलब इसका एक एग्जाम्पल लें अगर तो कह सकते हैं कि लोगों के पैरों के द्वारा आ, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो जाते हैं बहुत सारे तरीके हैं इनके ट्रैवल होने के डिस्पर्स होने के ठीक तो ये समझेंगे कि फैलाव क्या है सीड्स का और सीड्स कैसे घुमक्कड़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह और बहुत सारे ऐसे मसाले हमारे यहाँ आए जो सीड्स के कारण आए जैसे चाहे कोई चीज अफगानिस्तान से आई चाहे कुछ और आया चिली वगैरह उन सबको डिस्कस करेंगे ठीक है बात तो आगे बढ़ेंगे देखेंगे द सीड्स हैज द सीड्स हैव टाइनी हुक्स ट स्टक टू क्लोथ और फर दे केन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वॉटर मतलब अब ये कैसे ट्रेवल कैसे करते हैं भाई ऐसा पैर तो है नहीं प्लेन पकड़ा और फ्लाइट ली और आ गए इंडिया ऐसा तो नहीं होगा तो क्या है द seeds हैज मैनी टाइनी हुक्स इनमें टाइनी हुक्स होते हैं छोटे छोटे हुक्स होते हैं जो या तो आपके कपड़ों से चिपक जाएंगे या तो बाकी चीजों से चिपक जाएंगे क्लोथ से या फर से और दे केन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वॉटर कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो वाटर के थ्रू ट्रैवल करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल नारियल का एग्जांपल लिया जाता है कि वो क्या है ट्रैवल कर जाएगा एक जगह से दूसरी जगह और भी ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं जो वाटर के थ्रू ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे ठीक तो ये एक बात हुई बिल्कुल सिंपल बात हुई यहां पर तो इनमें क्या है एक टाइनी हुक्स होते हैं जो हुक होता है ना जो पकड़ लेता है किसी भी एक चीज को तो उस तरीके के हुक होते हैं जो पकड़ लेते हैं किसी भी कपड़े को या फर को जिसमें चिपक करके और चले जाते हैं ठीक बात हुई आगे बढ़ेंगे एक मिनट रुको हाँ एग्जाम पांच को हो पंद्रह को हो क्या फर्क पड़ता है यहां आप देख रहे हैं नेक्स्ट सेवन पे एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है डेली चल रहा है सेशन तो तैयारी अपनी उसी के हिसाब से कीजिए ऑफिशियल डेट जो है आगे बढ़ते हैं वेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप दे बर्स्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट भाई सोयाबीन पॉट्स जो हैं वो जब पक जाते हैं इस तरीके से आप फोटो में देख पा रहे हो तो ये बर्स्ट करते हैं मतलब ये फूटते हैं एक तरीके से फैलाव हो जाता है इन बीजों का और ये बिखर जाते हैं बर्स्ट होकर के जिससे क्या होगा ये बाहर की तरफ फैलेंगे और ट्रेवल करेंगे किसी के पैर में लगेंगे किसी जानवर के थ्रू चले जाएंगे उसके फरवर में लग करके तो बहुत सारे तरीके हैं आगे बढ़ेंगे फ्रॉम यूरोप अब यहां पर एक काम की चीज है जहां से क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है फ्रॉम यूरोप यूरोप से क्या आया है कैबेज और पी मतलब ये जो आपकी मटर है और ये जो आपकी गोभी है पत्ता ये कहां से आई है यूरोप से आई है तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक ग्रीन चिली के विषय में आई थिंक वो कहां से ट्रेवल किया इन सीड्स ने तो आप आंसर करेंगे यूरोप की बात है तो पत्ता गोभी और मटर ठीक है बात ये कहाँ से ट्रेवल करके आए हैं यूरोप से वही वहां के यात्री आए चाहे सामान लाने में ये आए जैसे भी आए बट ये इन्होंने ट्रेवल किया यूरोप से इंडिया में ठीक है बात आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है ग्रीन चिलीज टोमेटो एंड पोटैटो वर ब्रॉड टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका अब कुछ चीजें हैं जैसे हरी मिर्च जिसको बड़े चाव से खाते हैं हम लोग टमेटो तो यानी कि टमाटर जो है आपका ये हरी मिर्च टमाटर आलू ऐसे आज तो हम पूरा सब्जी उब्जी बना के ही रहेंगे यहाँ है ना तो ये तीनों चीजें कहाँ से आई हैं? साउथ अमेरिका से ठीक अफ्रीका मत बना देना इसको तो साउथ अमेरिका से आई हैं कौन सी चीजें आलू टमाटर और मटर नहीं मटर आपकी यूरोप से आई है तो आलू टमाटर और ये ग्रीन चिली हरी मिर्च ठीक है बात तो यहां तक की बात क्लियर हुई आगे बढ़ेंगे सात समुंदर पार करके बिल्कुल सही बात है कोमल है ना तो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो कि हम यूज करते हैं डेली अफ्रीका से क्या आया अफ्रीका आपको पता ही है इधर तो अफ्रीका से कॉफी बीन्स जो आप देखते ही हैं काफी इस्तेमाल में लेते हैं हम आजकल वैसे कॉफी के नशे करते हैं लोग <laughs> शायद उनमें से एक मैं भी हूं बट उतना भी नहीं खैर और ग्रीन भिंडी ग्रीन भिंडी जानते हैं आप लोग ठीक तो ये कहाँ से आए हैं अफ्रीका से आए हैं क्लियर हुई बात ये पीपीटी आप डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उसको रिवाइज जरूर ये जगह अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो काम कहीं नहीं है चीजें ठीक है बात तो कॉफी बीन्स कहाँ से आए हैं जो आप बैठ करके जहां भी कॉफी पीते हैं कई लोग शौकीन है तो कॉफी बीन्स आए हैं अफ्रीका से और ग्रीन भिंडी जो है वो भी आपकी अफ्रीका से आई है ठीक है अपनी फेवरेट सब्जी चूज़ करते रहना रहना और देखते यूरोप से आई है।, है, है।, -फट है, है इसके अलावा जो आपका आलू टमाटर और हरी मिर्च ये साउथ अमेरिका से इसके अलावा अफ्रीका से आपकी कॉफी बीन्स और ग्रीन भिंडी तो ये कुछ कुछ चीजें हैं अब हम आएंगे चंगथांग वैली या एक प्लेस है लद्दाख के पास तो चंगथांग इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5,000 थाउजेंड मीटर्स इट हैज रॉकी प्लेन्स देयर मतलब कि ये चंगथांग के लोग हैं ठीक चंग पास कहते हैं इन लोगों को और ये इनका टेंट है जिसमें ये रहते हैं मूव करते रहते हैं ये इसको रेबो कहते हैं रेनो नहीं है ये रेबो है ठीक है तो ये एक बात है और ये है कहां तो यहां आप देख रहे हैं लद्दाख के पास इसका बहुत सारा हिस्सा तिब्बत में भी है बट हम बात कर रहे हैं इंडिया की ठीक है तो ये चंगथांग है चंगपा कहलाएंगे ऐसे लोग बहुत बढ़िया तो चंगपा कहलाएंगे ये लोग और इनका जो टेंट है जो रेबो कहलाएगा और ये लोग बेसिकली कहाँ रहते हैं ये इम्पोर्टेंट है 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहते हैं जहां जो टेम्परेचर है वो माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ये जो इनका टेंट है इनको बहुत तगड़ी हवाओं से बचाता है ठीक है तो ये एक बात है क्लियर हुई बात यहां से यहां तक की बात क्लियर हुई होगी मैं कुछ कॉमेंट्स देख लेती हूँ आप लोगों के हुँ. बहुत बढ़िया सही है कुछ तीन लोग देख रहे हैं और अठारह लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है हजार लोग गायब रहते हैं चलिए अब इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं यहां से बेसिकली आज का जो कंटेंट है वो आपको याद ज्यादा रखना है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्चुअल हैं। चंगपा प्रजाति है बिल्कुल तो ये जो चंगपा प्रजाति है चंगथांग में रहती है और बेसिकली ये ऑन द मूव रहते हैं ढाई घंटा लगता है इनको अपना सारा सामान पैक करके दूसरी जगह मूव करने में हमें कोई कहते हैं हमारा तो जीवन निकल जाएगा कि भाई एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना है तो पता नहीं दुनिया साथ लेकर के जाएंगे है ना तो ये बस अपने कुछ एनिमल्स को उठाते हैं और अपना सामान ये टेंट पैक करते हैं और निकल लेते हैं ठीक तो ये एक बात है अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ठीक एट अ वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफिकल्ट टू ब्रीद पांच हजार मीटर की ऊंचाई पर रह रहे हैं ये लोग ये आप लोग देख रहे हैं और हिमालय की माउंट एवरेस्ट की बेसिकली कितनी ऊंचाई है अठासी सो अड़तालीस यानी नवासी सो राउंड फिगर में तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये लोग रह रहे हैं जहां ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है ठीक नेक्स्ट क्या है सीरियस लग रही हो आज नहीं पता नहीं मैं कब क्या लगने लगू ऐसा नहीं है ऐसे हंसूंगी ठीक एट अ वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफिकल्ट टू ब्रीद हेड ए कैन फील वीक मतलब कि ज्यादा ऊंचाई पर लोग क्या करते हैं डिफिकल्ट फील होता है उनको सांस लेने में सर में दर्द होने लगेगा और उनको कमजोरी फील होगी ऐसा बिल्कुल आपके साथ भी हुआ होगा अगर आप कहीं बहुत ऊंचाई पर गए होंगे लद्दाख लद्दाख या इवन आ, इधर गैंगटॉक में भी जो आप चाइना बॉर्डर तक पहुंचेंगे तो तो ऐसी स्थिति बनने लगेगी तो बेसिकली बात क्या है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है हेड फील हो सकता है वीक फील हो सकता है कई लोग सिलेंडर तक लेकर के जाते हैं ऑक्सीजन का ठीक है बात इसके अलावा चंगपा जो ये ट्राइब है ये जो जनजाति है प्रजाति है जो भी कहेंगे आप जनजाति कहेंगे तो चंगपा प्रजाति जो कि चंगथांग में मिलेगी चंगथांग कहां है लद्दाख के पास ठीक तो चंगपा आ ट्राइब लिविंग ये जो जनजाति है ये पूरी प्रजाति है ये कहां रहती है माउंटेन्स पर यानी पहाड़ों में ऑब्वियसली पांच हजार मीटर की ऊंचाई पर द चंकपा ट्राइब हैज ओनली अबाउट फाइव थाउजेंड पीपल अब आपको एक सिमिलैरिटी मिली होगी यहाँ कि जो चंकपा ट्राइब है वो पांच हजार मीटर की ऊंचाई पर रहती है और 5000 ही लोग हैं इनकी ट्राइब में टोटल मिलाकर के ठीक है तो टोटल मिलाकर के पांच ही लोग हैं <laughs> चलिए आगे बढ़ेंगे ठीक नेक्स्ट पॉइंट है द चंकपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव यही बात मैंने आपके साथ डिस्कस की थी ये हमेशा घूमते फिरते रहते हैं अपने गोट्स जो इनकी बकरियां और भेड़ हैं उनके साथ गोट्स एंड शीप के साथ ठीक है बात दे गेट ऑल दैट दे नीड इनको सब कुछ मिल जाता है अपने एनिमल्स से चाहे वो इनकी बकरी हो चाहे वो भेड़ हो क्या मिल्क यानी कि दूध मीट स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स तो इनके लिए सब कुछ सफिशियंट है इनके जो एनिमल्स हैं जो इनके साथ चलते हैं वो इनके लिए पूरा लिविंग का जुगाड़ करके चलते हैं तो ये अपने जो पालतू पशु हैं उनको लेकर के जाते हैं चाहे वो बकरियां हो भेड़ हो और इनसे इन्हें मीट मिल जाता है मिल्क मिल जाता है टेंट्स के लिए स्किन मिल जाती है उस स्किन से ये बना लेंगे और वूल मिल जाती है कोट्स और स्वेटर्स के लिए जो ऊन है जिससे सर्वाइव कर सकें ठंड में ठीक है बात फिर इसके बाद इफ आ फैमिली हैज मोर एनिमल्स इट इज कंसिडर्ड रिच एंड इंपॉर्टेंट जिस परिवार के पास पांच हजार तो लोग ही हैं इनकी पूरी ट्राइब में ही तो जिस परिवार के पास जितने ज्यादा पशु हैं एनिमल्स हैं वो उतना अमीर है ऐसा कंसिडर किया जाता है पहले होता था ना मतलब ऐसे आपने महाभारत में भी आई थिंक देखा हुआ यज्ञ करते थे ऐसे द्रोणाचार्य उठा करके ले आते थे गाय वाय ठीक तो वो बेसिकली पहले अपने आप में एक एसेट थी एनिमल्स जो पालतू पशु हैं वो एक एसेट है एक संसाधन कह लीजिए या एक प्रॉपर्टी की तरह मान सकते हैं तो जितने ज्यादा एनिमल जिनके पास होते हैं जिस फैमिली के पास उसको उतना ही रिच माना जाएगा मतलब ऐसे ये बैंक बैलेंस के जैसा है इनके लिए है ना फिर है फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द फेमस पश्मीना वूल अब ये इंपॉर्टेंट है पश्मीना शॉल शायद आपने सुना होगा तो ये जो इनकी स्पेशल गोट्स हैं जो स्पेशल हैं, ये नॉर्मल बकरी नहीं है उनसे इनको वूल मिलती है ऊन मिलती है जिससे पश्मीना शॉल बना पाते हैं ठीक है बात सी टेट के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास ठीक हुई बात यहां तक की क्लियर आगे बढ़ेंगे बिल्कुल हम्म hmm. सैटरडे क्लास हाँ हुई थी डेली होती है यार सात दिन चलता है सेशन तो बस संडे को पढ़ाई नहीं होती अब दो हफ्ते से उससे पहले तो मैं पढ़ाई भी करा रही थी संडे को भी चलो आगे बढ़ते हैं के बारे में कुछ और जान लेते हैं द चंगपा ग्रेज देयर गोड्स द चंगपा ग्रेज देयर गोड्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोड्स फर अब यहां पर बात क्या है जो चंगपा है ये जो चंगपा uh, जनजाति है ये क्या करती है जो इनकी बकरियां हैं उनको हाई ऑल्टीट्यूड पर ऊंचाई पर और ठंडे जगह पर भाई ऊंचाई है तो ऑब्वियसली जितना हाई ऑल्टीट्यूड होगा उतनी ठंड होगी तो कोल्ड प्लेसेस पर और ऊंचाई पर हाई ऑल्टीट्यूड्स पर ये अपनी बकरियों को क्या करते हैं चराते हैं एक तरीके से और जिससे जो ये बकरियां हैं जितनी ज्यादा ठंड में ये होंगी जितनी ऊंचाई पर होंगी जितनी ज्यादा ठंड होगी उतना ही सॉफ्ट इनके फर यानी कि इनके बाल आएंगे और जितने सॉफ्ट बाल आएंगे उतना अच्छा पश्मीना बनेगा ठीक है बात दे स्टे हाई अपॉन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज वेयर दीज गोट्स कैन लिव अब ये जो चंगपाज हैं ये इतने हाई एल्टीट्यूड पे इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये जो गोट्स हैं ये जो बकरियां हैं वो वहीं रह सकती हैं ठीक है इतनी ठंड में ही दिस इज देअर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड अब यही इनका क्या कहेंगे इसको मतलब रोजी रोटी है एक तरीके से ये कह सकते हैं तो दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड क्लियर हुई बात तो कह सकते हैं भाई इनके लिए क्या ये अपनी गोट्स को चराते हैं इसके अलावा ये क्या करते हैं आ, क्या करेंगे मतलब और बाकी चीजें जो टेंट वेंट है इनके लिए पशु जो है इनके लिए वो बहुत बड़ा एक लाइवलीहुड का साधन है जैसे मेरे कई दोस्त मजाक करते हैं तो मैं उनको बोलते हैं है, उनका ऐसे मैं ऐसे फ्री में एक्सप्लेन नहीं करती बोलने के पैसे लगते हैं तो मतलब ऐसे मैं बोल के खाना चलता है तो खैर रही ये सब तो मजाक की बात है तो ये इनका लाइवलीहुड हुआ आगे बढ़ते हैं द वर्ल्ड फेमस पश्मीना आप पश्मीना की बात कर लेते हैं पश्मीना शॉल ये आप देख पा रहे होंगे इसको एनसीआरटी में भी देखा होगा जिन लोगों ने एनसीआरटी के पहले दर्शन किए हैं तो ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी पश्मीना के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग हम्म एग्जैक्टली चलिए आते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए आते हैं फिर पश्मीना फेमस पश्मीना शॉल के बारे में बात हो रही है ये है पश्मीना शॉल आप देख पा रहे हैं गूगल भी कर सकते हैं मिल जाएगा आपको ठीक है और यहां पर इसके बारे में खास क्या है भाई ये जो एक शॉल है ना ये एक पश्मीना शॉल कितने नॉर्मल स्वेटर्स के बराबर है छह स्वेटर आप पहनेंगे जितनी गर्माई आपके छह स्वेटर्स में होंगी सिक्स स्वेटर्स में होंगी उतनी एक पश्मीना शॉल में होती है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको पता होना चाहिए छे की जरा जगह, जगह बारह शॉल के बराबर एक शॉल में या स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शॉल में क्या होगी गर्माई होगी बहुत ज्यादा ये क्या होगा अपने आप में वार्म होगा लेकिन पतला और सॉफ्ट होता है है ना तो इट इज वेरी थिन बहुत ही पतला है और बहुत ही वार्म है द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड भाई ये जो गोट्स हैं ये जो बकरियां हैं इनसे क्या होता है सॉफ्ट पश्मीना को आप क्या करते हैं ये कलेक्ट करते हैं ये तो सिंपल बात हमने अभी समझी थी आर फाउंड ऑन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ फाइव थाउजेंड मीटर्स ये हम समझ चुके हैं रिवीजन के लिए अच्छा है पांच हजार मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगी जहां पर जो टेम्परेचर है वो माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है यानी बिलो जीरो डिग्री रहेगा और माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है ठीक है फिर है अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड मतलब कि ये जो ऑब्वियसली हमने अभी समझा था वो जो बकरियां हैं जिनको चंपा ट्राइब आ, आ, क्या करते हैं ग्रेज कराती हैं, बहुत ही ऊंचाई पर ले जा करके, उनके ऊपर ज्यादा ठंड में एक कोट कोट जैसा बन जाता है उनके फर से और उसके थ्रू ये पशमीना बनाया जाएगा सिंपल बात हुई और इसके साथ अगर हम बात करें तो ये जो बकरिया है ये भी इंपॉर्टेंट है गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर फॉर इन समर जो उनके बाल हैं वो झड़ते हैं कब समर में जो ये फर है जिससे बनाया जाएगा दिस हेयर इज सो फाइन ये जो इस ब, इन बकरियों का जो बाल है वो इतना फाइन है इतना पतला है जितना कि दैट सिक्स ऑफ दीस वुड बी एज़ थिक एज़ वन हेयर ऑफ yours मतलब मेरे और आपका अगर एक बाल लें तो उसमें से छह बाल बन जाएंगे इतना पतला है तो हम जानते हैं कि ह्यूमन हेयर ऑलरेडी पतला है उसके अलावा ये और ज्यादा थीन और शार्प कह सकते हैं उसको तो छह बालों के बराबर ए मतलब आपका एक बाल और ये छह बाल जिससे ये पश्मीना बनाया जाता है तो ऑब्वियस है कि हल्का क्यों है और पतला क्यों है सॉफ्ट क्यों है इसका रीजन हम जान चुके हैं ठीक है मुझे भी चाहिए अरे बहुत बढ़िया सही है सही है <laughs> आगे बढ़ते हैं द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन इसको वीव नहीं कर सकते मशीन्स में इसलिए जो वीवर्स हैं वो हाथ से इसको बनाते हैं कश्मीर में ठीक है दीज शॉल्स कहां बनेंगे हाथ से बनाए जाएंगे कश्मीर के अंदर दिस इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस बहुत टाइम लगता है ढाई सौ घंटे लग जाते हैं एक पश्मीना शॉल को बनने में ढाई सौ घंटे आप समझते हैं ढाई सौ घंटे में दुनिया इधर से उधर हो जाएगी तो ढाई सौ घंटे बनते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है पश्मीना शॉल पर ठीक है बात वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड ढाई सौ घंटे में इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी अगर इसमें एम्ब्रॉयडरी और हो जाए तो बस जमाना लग जाएगा फिर एक शॉल ही नहीं बनेगा ठीक है तो अब कुछ कुछ चीजें हैं मैं एक बार आपको हाईलाइट करा देती हूँ एक पशमीना जो शॉल है वो सिक्स स्वेटर्स के बराबर गर्म होगा जो ये कैसा है बहुत ही पतला होगा बहुत ही सॉफ्ट होगा वार्म होगा और आपका जो एक बाल है जिस जिन बकरियों के बालों से इसको या फर से बनाया जाता है वो इतने पतले होते हैं कि हमारा एक बाल में उनके छह बाल बनेंगे ठीक है और इसको बनाने में 250 घंटे लगते हैं क्योंकि इसको हाथ से वीव किया जाता है मशीन का यूज नहीं हो सकता कश्मीर में बनाया जाता है ये बेसिक बेसिक बातें थी माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस में जो गोड्स हैं जिनके थ्रू ये हेयर मतलब जो शेड करती हैं समर में वो माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक मतलब बहुत ठंड में रहती है फाइव मीटर के ऑल्टीट्यूड पर क्लियर हो गई बात यहां तक की कुछ कुछ चीजें बोरिंग लग सकती हैं बट आपको ये डेटा है जो याद भी रखना है और इंटरेस्टिंग वे में आप जोड़ करके कहानियां बना सकते हैं ठीक है आज की कहानी इतनी ही थी ऐसा कैसे हो सकता है बट ऐसा ही है तो कल मिलेंगे कल डिस्कशन करेंगे कल यही डिस्कशन करेंगे मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा बहुत हद तक खत्म कर लिया जाए फिर तो मेरे हाथ की बातें हैं ये तो क्योंकि एनसीईआरटी की पूरी पूरी समरीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने निकाला हुआ है कुछ कुछ चीजों को स्किप भी किया है उसके बाद तो चाहे वो इंग्लिश पैटालाजी हो सी हो और मैथ्स uh, में सिर्फ हंड्रेड क्वेश्चन कराने हैं उसमें से दस आएंगे तो वो इशू नहीं है इसके अलावा हिंदी हो उसमें भी क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे तो वो सब तो हो जाएगा उसमें दिक्कत नहीं है तो इसको थोड़ा सा अभी टारगेट करते हैं दो तीन दिन अगले इसको थोड़ा सा निपटाते हैं

तो ये एक बात है छोटी सी और चलिए फिर देखते हैं हम लोग कब तक वन मिलियन होते हैं ये थोड़ा एक एक्साइटमेंट बढ़ाने का तरीका है बाकी तो ठीक है नंबर्स चलते रहते हैं जीवन भर बट अच्छा लगता है और लाइक शेयर आप लोग कर ही रहे हैं डेली चलिए ध्यान रखिए अपना कल मिलते हैं सेशन बढ़ा देंगे जून में बढ़ाएंगे दो सेशन करेंगे अभी बहुत कुछ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इतने उसको देखो ठीक है टेक केयर पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम पर